हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं CITS से रिलेटेड। CTI का जो फॉर्म है इस समय चल रहा है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 25 जून उसका लास्ट डेट रहेगा। और एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन आपका 17 जुलाई को शायद आपका एग्जामिनेशन है। तो उसके लिए क्या क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्या उसमें पैटर्न रहता है, कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, सारा डिस्कस इस वीडियो में हम करने वाले हैं। देखिए, आपने अभी तक अपना फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो फॉर्म को फिलअप ज़रूर कर लें। देन उसके बाद में आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं समझा देता हूँ। देखिए, 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन में आपका 75 क्वेश्चन रहेगा आपका ट्रेड से रिलेटेड, और 25 क्वेश्चन रहेगा आपका नॉन टेक, जैसे मैथ हो गया आपका, मैथ वगैरह, रीजनिंग वगैरह, ऐसा कुछ इसमें रहेगा। देन आपका 75 जो क्वेश्चन रहेगा वो आपने अपनी ट्रेड से रिलेटेड रहेगा। आप कोई इलेक्ट्रिशियन के हो तो इलेक्ट्रिशियन रहेगा, फिटर से हो तो फिटर रहेगा, और आपका ट्रैक्टर मैकेनिक से हो तो ट्रैक्टर मैकेनिक रहेगा, डीजल से रहेगा, वेल्डर से रहेगा, जो आपकी ट्रेड ITI के अंदर है या डिप्लोमा के अंदर है या BTech के अंदर है, वही ट्रेड से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे 75 क्वेश्चन, और बाकी 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा। देन अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग इस समय नहीं है, और आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन को आपको सही करके आना है, चाहे आपको आप पे क्वेश्चन वो बन रहा हो या नहीं बन रहा हो, पूरे में पूरे क्वेश्चन आपको करके आना है। और उसके बाद में आपका रिजल्ट जो है वो पब्लिश कर दिया जाएगा। रिजल्ट के बाद में आपको क्या करना है, काउंसलिंग की फ़ीस कटानी पड़ती है। 1000 रुपये काउंसलिंग की फ़ीस रहती है। जब तक आप 1000 रुपये पे नहीं करेंगे, जब तक आपकी काउंसलिंग नहीं होती है, जब तक आप अपना कॉलेज सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और अपने पूरे में पूरे क्वेश्चंस कर आपको सभी करके आने हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट देख सकते हैं। CTI हैदराबाद नाम से एक प्लेलिस्ट है, जहाँ से मैंने हैदराबाद से CTI कर रखा है। पूरा एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, कैसा प्रैक्टिकल होता है, कैसे लेसन प्लान देना पड़ता है, कैसे डेमोलेशन प्लान देना पड़ता है, कितना वर्क करना पड़ता है, क्या क्या प्रैक्टिकल में मोटर्स हैं, क्या क्या सारी सुविधा है वो मैंने दे रखा है। कौन से कॉलेजेस बेस्ट रहेंगे वो अगली वीडियो में मैं लेके आने वाला हूँ, कि इंडिया के अंदर टॉप कॉलेजेस कौन से हैं जिसमें अच्छी पढ़ाई होती है, लैंग्वेज की दिक्कत नहीं होती है, खाने पीने की दिक्कत नहीं होती है, ये अगली वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आई होप कि इस वीडियो में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज ज़रूर मिली होगी। नॉलेज मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ।